हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल जुपिटर क्लासेस में। सो गाइस, इस वीडियो में हम यहाँ पर क्या बात करेंगे, आपका मुझे कल से यहाँ पर आपके यहाँ पर मुझे कमेंट्स देखने को मिल रहे थे। सर, आप थियोरेटिकल पार्ट भी कवर करवाइए। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं, हम किस तरीके से अपनी जो सीरीज है वो कवर करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस करते हैं, ठीक है। टॉपिक डिस्कस करने के बाद हम उसके एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो शायद मैं ज्यादा एमसीक्यू आपको करवा रहा हूँ, उतने नहीं करवाने चाहिए थे, ठीक है। तो थोड़े से एमसीक्यू हम आज के बाद करेंगे, इसके हम एक ही वीडियो में, अगली वीडियो आएगी उसमें इसके हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज, पता है आपको, जेके सुपरवाइजर की हमारी चल रही है फ्री फ्री क्लासेस, ठीक है, जिसकी उसमें चलते चलते आज हम लेक्चर 37 तक पहुंच चुके हैं। खाली थ्योरी के लेक्चर हैं, ठीक है। लेक्चर जो आप देख रहे हैं ना, ये खाली यहाँ पर थ्योरी के ही हम लगाते हैं, बाकी एमसीक्यू के लेक्चर नंबर हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। यूनिट 3 हम कवर कर रहे हैं, ये कवर करवा रहा हूँ मैं यहाँ पर रोहित गाइस। तो पता है आपको, 60 मार्क्स का आपका सिलेबस है सोशियोलॉजी स्पेशलाइजेशन का, जिसमें आज हम बात करेंगे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूंगा, अगर आप चाहते हैं कि हमारी ई बुक्स जो है वो आपके हाथों में हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको दिए गए जो यहाँ पर लिंक्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाके आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं। और गाइस, संडे को हमारा टेस्ट हुआ था, ठीक है। जिन बच्चों को पता नहीं है, जो यहाँ पर नए आ रहे हैं, ठीक है, उनको मैं बता दूं कि गाइस, हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन है जो आपको डाउनलोड करनी है, और जहां पर आपको एवरी संडे यहाँ पर फ्री टेस्ट देखने को मिलते हैं। ओके गाइस, इज इट क्लियर टू यू? चलिए, और बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो गाइस। हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। ह्यूमन राइट्स की ऊपर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन यहाँ पर कब आया, यूनिवर्सली ह्यूमन राइट्स कब डिक्लेयर हुए, तो इस वीडियो में हम पूरी तरीके से यहाँ पर इन डिटेल आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप चाह रहे होंगे कि आप वीडियो में अभी आए हैं, तो आप अगर पूरी वीडियो नहीं देखनी है अभी यहाँ पर वापस चले जाइए, ठीक है। अगर पूरी वीडियो देखनी तो आप वापस चले जाइए, क्योंकि जिन बच्चों को अगर वीडियो देखनी है तो रहना एंड तक, ठीक है, तभी आपको यहाँ पर कुछ सीखने को मिलेगा। और आई होप, आई एश्योर यू कि बहुत ही मजा आने वाला है आपको इस वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले बता दूं कि UDHR पहला क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपका, कि UDHR का एक्रोनिम पूछ सकते हैं आपसे, कि बताओ। इतना आसान तो पूछेंगे, लेकिन अगर पूछ भी सकते हैं, जेके एसएसबी है भाई, कुछ भी पूछ सकती है, ठीक है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को कहते हैं शॉर्टकट में UDHR। ये एक माइलस्टोन डॉक्यूमेंट देखने को मिलता है। किसकी बात करूं अगर, तो ह्यूमन राइट्स की अगर बात करूं, तो यहाँ पर एक माइलस्टोन डॉक्यूमेंट देखने को मिलता है ह्यूमन राइट्स की हिस्ट्री में, ठीक है। तो इसको यहाँ पर जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन का जो ऑर्गन है जनरल असेंबली, उसने यहाँ पर इसको 10 दिसंबर 1948 को यहाँ पर अडॉप्ट करा था। ओके, इज इट क्लियर टू यू? यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है जनरल असेंबली, जिसने इसको यहाँ पर 10 दिसंबर 1948 को क्या किया था, अडॉप्ट किया था, एज अ रिस्पॉन्स टू एट्रोसिटीज ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड द कमिटमेंट टू प्रिवेंट सच वायोलेशन फ्रॉम हैपनिंग अगेन, ठीक है। जब यहाँ पर एट्रोसिटीज देखने को मिली थी, क्रूरल्टी देखने को मिली थी वर्ल्ड वॉर सेकंड में, ठीक है, जो कमिटमेंट वहां पर की गई थी कि अब हम प्रिवेंट करेंगे ऐसी, ताकि ऐसी कोई वायोलेशंस यहाँ पर ना हो दोबारा, ठीक है। थोड़ा सा आपको मैं अगर वर्ल्ड वॉर सेकंड की अगर बात करूं, ठीक है, इसकी डेट्स के बारे में आपको अगर जानकारी अगर हो तो बता दूं, नहीं हो तो बता दूं, तो 1 सितंबर 1939 को गाइस ये वॉर शुरू हुई थी, ठीक है। 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर, याद रखेगा, 2 सितंबर 1945 तक ये वार चली थी, ठीक है। अगर पूछा जाए कितने साल तक चली थी, 6 साल और 1 दिन तक ये वार चली थी। इज इट क्लियर टू यू? अब और एक चीज और बता दूं वर्ल्ड वॉर सेकंड के बारे में, ये किस किस के बीच में हुई थी। तो गाइज याद रखना है आपको, यहाँ पर कुछ हमारी अलाइज पावर थी और कुछ यहाँ पर एक्सिस पावर थी, याद रखेगा, अलाइज पावर और एक्सिस पावर के बीच में हमारा वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था, ठीक है, ये क्लियर है। अब थोड़ा सा मैं आपको यूनाइटेड नेशंस के बारे में एक ब्लैंक स्क्रीन लेकर दिखाने वाला हूं, ठीक है। अब यहां पर हम थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन के बारे में देखेंगे, किसके बारे में, यूनाइटेड नेशन, क्योंकि यहां पर यूनाइटेड नेशन की किसकी ऑर्गन की बात चली थी, जनरल असेंबली की बात चली थी, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अगर यहां पर बात हुई,
थोड़ा सा बनता है कि हम थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन के बारे में जाने। तो गाइस आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन क्या है, यूनाइटेड इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम यूएनओ के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले यूनाइटेड नेशन का जो यहाँ पर ड्राफ्ट हुआ था, इसको बनाने का काम शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था गाइस, ये आपको याद रखना, थोड़ी सी यहाँ पर देर बता दूं, 25 अप्रैल 1945 को इसका ड्राफ्टिंग का काम शुरू हो गया था, और यहाँ पर इसको अडॉप्ट कब किया गया था। ठीक है, यूएनओ को जो अडॉप्ट कब किया गया था, यहाँ पर इसको 21 जून 1945 को इसको अडॉप्ट किया गया था। उसके बाद गाइस इसको अफेक्ट में, यूनाइटेड नेशन को अफेक्ट में कब लाया गया था, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डेट है आपको याद रखनी है, 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, 1945 में हम 1945 में हम यूएनओ को कम्प्लीटली तरीके से यहाँ पर जानने लग गए थे। ठीक है, याद रखिएगा, जब हमारा यूनाइटेड ये नेशन जब बना था, उस वक्त इसके कितने मेंबर थे, 50 मेंबर थे। ठीक है, उस वक्त इसके सिर्फ 50 मेंबर्स थे, लेकिन अगर आज की बात करूं, ठीक है, आज की बात में टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं इसके, 193 आपको याद रखना है। ठीक है, 193 का बन थे इसके मेंबर, 2011 में इसके मेंबर्स 193 तक पहुंच चुके थे। ओके, ठीक है, ये बना था अंडर यूएन चार्टर। ठीक है, यूएन चार्टर, आप सोच लोगे कि क्या ड्राफ्ट किया गया था, यूनाइटेड नेशन का चार्टर ड्राफ्ट किया गया था। कब ड्राफ्टिंग कब शुरू हुई थी, 25 अप्रैल 1945 को। अडॉप्ट कब किया गया था, 21 जून 1945 को। अफेक्ट में कब लाया गया था, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, तब कितने मेंबर थे इसके, 50 मेंबर थे, लेकिन आज कितने मेंबर हैं अगर देखें यूनाइटेड नेशन के, तो आज हैं गाइज इसके 193 मेंबर्स हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसका, यूनाइटेड नेशन के हेड कौन होते हैं, वो होते हैं गाइस यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल। कौन होते हैं, सेक्रेटरी जनरल। तो सबसे फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन थे, अगर आपको आपके नॉलेज के लिए बात बता दूं, वो कौन थे, ट्रिग्वी लाइक। ट्रिग्वी लाइक कहाँ के थे, आपको पता होना चाहिए कि नॉर्वे के थे। ठीक है, इतना हो गया। अगर आज की बात करूं, एट प्रेजेंट की बात करूं, इसके यहाँ पर थोड़ा सा पेन चेंज कर लूं। ठीक है, अगर आज की बात करूं तो आज कौन है, एंटोनियो गटरस। ओके, इज इट क्लियर, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां पर बन सकता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब गाइज यहां पर जो हमने आर्गन की बात की, किसकी बात की, यहाँ पर ऑर्गन की बात की, जैसे हमने जनरल असेंबली की बात की, जिसने यहाँ पर हमारा यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को अडॉप्ट किया था। कब किया था, 1948 में किया था। अगर मैं इसके ऑर्गन की बात करूं, तो इसके गाइस हमारे पास 6 ऑर्गन रहते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में लिखूंगा, जनरल असेंबली। ठीक है, दूसरा ऑर्गन जो है गाइस इसका, दैट इज सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, जो बहुत ही इसको इंपॉर्टेंट ऑर्गन माना जाता है, जिसके हमारे पास कितने मेंबर रहते हैं, 15 मेंबर रहते हैं। 15 में से हमारे पास 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर, और 5 रहते हैं गाइस हमारे पास इसके परमानेंट मेंबर। परमानेंट मेंबर्स के बारे में अगर मैं आपको बात बता दूं, इसमें कौन कौन आते हैं, हमारे यूएसए आता है, फ्रांस आता है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड आता है, और हमारा रशिया आता है, एंड लास्ट वन हमारे पास यहाँ पर चाइना आता है। आपने बहुत सारी बार यहाँ पर आपने वीटो पावर के बारे में सुना होगा, तो वीटो जो पावर है, वीटो पावर इन्हीं 5 देशों के पास यहाँ पर रहती है। ओके, इज इट क्लियर, यहाँ पर ये आपको क्लियर होना चाहिए। सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट कितने मेंबर हैं, 5 परमानेंट मेंबर, जिनके बारे में आपको बता दिया, जिनके पास वीटो पावर रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके 10 नॉन परमानेंट मेंबर रहते हैं, जो हर 2 साल के बाद यहाँ पर चेंज होते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड इसका जो है गाइस, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। उसके बाद 4th नंबर पे गाइस इसका जो आर्गन है, दैट इज ट्रस्टीशिप काउंसिल, दैट इज ट्रस्टीशिप काउंसिल। ओके, इसके बाद अगर मैं 5th नंबर पे यहाँ पर बात करूं, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एंड लास्ट वन की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, दैट इज यूनाइटेड नेशन यूएन सेक्रेटरीट। ओके, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट। तो आपको मैं बता दूं कि इसके जो यहाँ पर हेडक्वार्टर्स है, ठीक है, इसके जो हेडक्वार्टर हैं इन 5ों के, किसके अलावा, आईसीजे के अलावा। अगर आईसीजे की बात करूं, इंडियन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, तो इसका गाइस हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है HAUGE हॉज में। ठीक है, हॉज में है, हॉज कहाँ पर है, नेदरलैंड में। ओके, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और बाकी के जो हेडक्वार्टर्स हैं इनके कहाँ पर हैं, जहां पर यूनाइटेड नेशन का अपना हेडक्वार्टर है, कहाँ पे, न्यूयॉर्क सिटी में। न्यूयॉर्क में एक जगह है जिसका नाम है मैनहट्टन। ठीक
ठीक है, मानहट्टन करके एक जगह है न्यूयॉर्क में जहां पे यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है, और इन बाकी सब का भी हेडक्वार्टर वहीं पर देखने को मिलता है। आई होप कि यहाँ पर अब आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, यूनाइटेड नेशन के एक बारे में, चार्टर के बारे में एक चीज बताना भूल गया कि यहाँ पर ये कहाँ पर ड्राफ्ट हो रहा था, सैन फ्रांसिस्को में। ओके गाइस, आई होप कि अब यहाँ पर कोई डाउट यूएनओ में नहीं रहना चाहिए। एक ही स्लाइड में आपको मैंने इंपॉर्टेंट जानकारी थी आपको मैंने दे दी, ठीक है। अब हम यहाँ पे आगे अगर बात करते हैं, क्राफ्टेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ वन वीक ऑफ डार्केस्ट पीरियड इन ह्यूमन हिस्ट्री, जो यहाँ पर डार्केस्ट पीरियड यहाँ पर आया था ह्यूमन हिस्ट्री में, उसके बाद यहाँ पर यूनाइटेड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को किया गया था, क्राफ्ट किया गया था, और ये फर्स्ट ग्लोबल स्टेटमेंट देखने को मिलती है जो यहाँ पर इन एलिनेबल राइट को यहाँ पर क्या करती है, डिफाइन करती है। कौन? आपके UDHR। तो यहाँ से जो बताते हैं कि हर एक इंडिविजुअल जो है, जो यहाँ पर ह्यूमन बींग है, जो यहाँ पर ह्यूमन बींग है, उसको यहाँ पर ये राइट जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वो दिए जाते हैं, उसको यहाँ पर मिलते हैं। उसके लिए क्या होना चाहिए? मैंने आपको ह्यूमन राइट से बताया था कि ह्यूमन राइट जो है ये क्या है, ह्यूमन राइट आर व्हाट, आप बताएंगे मुझे। चलो मैं ही बता देता हूँ, ह्यूमन राइट्स हमारे क्या होते हैं, ये हमारे पास इनहेरेंट राइट होते हैं, ठीक है। ये आपको किसी से मांगने नहीं पड़ते हैं। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, UDHR के बारे में आपको पता होनी चाहिए। इसको किसने यहाँ पर ड्राफ्ट किया था? ड्राफ्टेड बाय रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वेरियस कल्चरल एंड लीगल बैकग्राउंड, ठीक है। बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव थे यहाँ पर जिन्होंने इसको ड्राफ्ट किया, जिनको यहाँ पर कौन लीड कर रहे थे, एलेनोर रूजवेल्ट, ठीक है। एलेनोर रूजवेल्ट इसको लीड कर रही थी, ठीक है। तो उनके अगर मैं यहाँ पर आपको चित्र दिखाऊं, ये हैं गाइस यहाँ पर एलेनोर रूजवेल्ट। तो एलेनोर रूजवेल्ट के बारे में अगर छोटी सी जानकारी में आपको बता दूं, ठीक है, छोटी सी जानकारी में अगर एलेनोर रूजवेल्ट के बारे में बता दूं, आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा बता दूंगा। यहाँ पर यूएसए के यहाँ पर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है, जिनका नाम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ठीक है। ये उनकी कौन थी, ये उनकी धर्म पत्नी थी, यानी कि ये उनकी वाइफ थी, ठीक है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक। तो उसने इसको क्या किया था, ड्राफ्ट किया था। तो गाइस आपको बता दूं कि यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे कि इस तरफ से यहाँ पर कुछ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एप्लीकेशन गाइज हमारे डाउनलोड कर देना, जहां पर आपको फ्री एंड पेड टेस्ट भी देखने को मिलते हैं। एक बार आप विजिट कीजिए, वहां पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। कोई भी आपका JKSSB का एग्जाम हो, वहां के लिए आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जहां पे आपको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डालता रहता हूँ, और इन्फॉर्मेशन के लिए आपको वहां पर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जहां पर आपको और भी क्लासेस आपके आएंगे जल्दी, कॉन्स्टेबल क्लासेस भी हम यहाँ पर शुरू करवा देंगे। तो गाइज चैनल का नाम तो पता ही है, जुपिटर क्लासेस, ओके। अब UDHR के बारे में पता होना चाहिए कि इसके कितने आर्टिकल्स हैं, 30 आर्टिकल्स हैं, जो हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं सिंगल बाय सिंगल, ठीक है। जिसमें हमारे सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट यहाँ पर सारे आते हैं। यहाँ पर हमें राइट टू लाइफ देखने को मिलता है, राइट टू लिबर्टी, सिक्योरिटी, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड टॉर्चर, राइट टू एजुकेशन, वर्क एंड पार्टिसिपेशन इन कल्चरल लाइफ अमंग अदर। तो बाकी के साथ साथ हमें ये राइट्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, किसमें, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, ठीक है। एक चीज और बता दूं इसके बारे में, जो पता होना चाहिए आपको कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। ये लीगली बाइंडिंग नहीं है कि आपको ये जो राइट्स हैं वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। UDHR है सर्व्ड एज द फाउंडेशन फॉर न्यूमरस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रीटीज एंड नेशनल लॉज। यहाँ पर बहुत सारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रीटीज भी यहाँ पर उनकी फाउंडेशन देखने को मिली है, ठीक है। जो आपको पता होना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे था कि हालांकि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर प्रियम्बल की बात होती है, तो हर एक चीज किससे शुरू होती है, प्रियम्बल से शुरू होती है, ठीक है। प्रियम्बल मींस प्रीफेस, ओके। जैसे कि आपको पता है ना कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी प्रियम्बल है, किससे शुरू होता है, वी दी पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉवरेनली रिजॉल्व इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वैसे ही इसका भी एक प्रियम्बल है, इसका भी एक प्रीफेस है, ठीक है, प्रियम्बल है। वेयर एज रिकॉग्निशन ऑफ द इनहेरेंट डिग्निटी एंड ऑफ द इक्वल एंड इनएलिनेबल राइट ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ ह्यूमन फैमिली इज द फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम, जस्टिस एंड पीस इन द वर्ल्ड। ये हमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का प्रीएम्बल बोलता है। अब यहाँ पर बिट बाय बिट देखने क्या बोलता है,
Whereas recognition of the inherent dignity, आपको पता है कि जो inherent dignity यहाँ पर होती है उसकी recognition यहाँ पर होनी चाहिए, and of the equal and alienable right of all members of the human family, जो भी human family के जितने भी member हैं, उन सबको inherent dignity की recognition यहाँ पर होनी चाहिए, equally वहाँ पर उनको equal right है उसकी recognition होनी चाहिए, वही किसकी, वही जो foundation है किसकी है, freedom की, justice की और peace की पूरी दुनिया में, वही foundation है, कब, जब यहाँ पे इनहेरेंट डिग्निटी मिलेगी और इक्वली एंड एलेनेबल राइट यहाँ पर सबको मिलेंगे जब उनकी रिकॉग्निशन होगी। उसके बाद है, वेयर एज डिसरिगार्ड एंड कंटेम्प्ट फॉर ह्यूमन राइट हैव रिजल्टेड इन बारबरस एक्ट व्हिच हैव आउटरेज्ड द कॉन्शियंस ऑफ मैनकाइंड एंड द एडवेंट ऑफ अ वर्ल्ड इन व्हिच ह्यूमन बीइंग शैल एंजॉय फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड बिलीफ एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड वॉट हैज बीन प्रोक्लेम्ड एज द हाईएस्ट एस्पिरेशन ऑफ द कॉमन पीपल। अब बोलो सर आप क्या पढ़ने लग गए। अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है इस लाइन में, कि यहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स को कंटेम्प्ट किया जाएगा, अगर उनकी डिसरिगार्ड की जाएगी तो उससे क्या होगा, यहाँ पर बारबेरस एक्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, वायलेंट एक्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिससे कि जो यहाँ पर मैनकाइंड की कंसियंस है वो यहाँ पर गुस्सा हो जाएगी। एंड द एडवेंट ऑफ द एंड एडवेंट ऑफ अ वर्ल्ड जिसमें ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच जिनको मिलनी चाहिए, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ बिलीफ मिलना चाहिए उनको, उनको क्या होना चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम फियर, उनको डर से आजादी होनी चाहिए, ठीक है, यही एस्पिरेशन होती है किसकी, कॉमन पीपल की, है प्रियम्बल में यहाँ पर बताया गया है। वेयर इज इट इज एसेंशियल, और जबकि यहाँ पर ये जरूरी भी है, इफ मैन इज नॉट टू बी कंपेल्ड टू हैव रिकोर्स एज अ लास्ट रिसोर्ट टू रिबेलियन अगेंस्ट टायरनी एंड ओप्रेशन दैट ह्यूमन राइट शुड बी प्रोटेक्टेड बाई द रूल ऑफ लॉ। अब यहाँ पर बोला गया है ये भी जरूरी है, ठीक है, अगर आदमी को यहाँ पर आप कंपेल नहीं करोगे, मजबूर नहीं करोगे टू हैव रिकोर्स, रिकोर्स का मतलब क्या होता है, सोर्स ऑफ हेल्प, ठीक है, रिकोर्स का मतलब आपको पता होना चाहिए, रिकोर्स का मतलब क्या होता है, सोर्स ऑफ हेल्प, ठीक है, यानी कि अगर उनको कंपेल किया जाए, उनको फोर्स किया जाए कि आपके पास सोर्स का कोई हेल्प, यानी कि हेल्प का कोई सोर्स है एज अ लास्ट रिसोर्ट, अगर लास्ट टाइम पे अगर बताया जाए कि आपके पास कोई यहाँ पर सोर्स का क्या है, सोर्स ऑफ हेल्प है, जब कब, जब आप रिबिलियन करोगे किसके अगेंस्ट, अगर कोई टायरनी यहाँ पर होगी, बर्बरता होगी, ओप्रेशन होगा, लोगों को दबाया जाएगा, वो यहाँ पर रूल ऑफ लॉ के इससे प्रोटेक्ट होने चाहिए, ये हमारे इसके प्रैम्बल में बोला गया है। ओके, इसके बाद प्रैम्बल में एक चीज और बताई गई है कि ये बहुत ही जरूरी है कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट है फ्रेंडली रिलेशंस की नेशंस के बीच में, उसको प्रमोट करना है, यानी कि जो भी नेशंस हैं उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशंस यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं जब कभी इंडिया और पाकिस्तान की, जब कभी इंडिया और पाकिस्तान की यहाँ पर बात चलती है तो कहते हैं कि हम इस मसले को यूएनओ में उठाएंगे, हम इस मसले को यूएनओ में उठाएंगे, क्यों, क्योंकि यूएनओ का मैंने आपको बता दिया कि वहां पर यूएनओ का मतलब ही क्या है, मकसद ही क्या है, यूएनओ का मकसद ही है कि हमने क्या करना है, टू मेंटेन पीस, ठीक है, टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में ये करना है। वेयर एज द पीपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैव इन द चार्टर रिअफर्मड देयर फेथ इन द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, जो मैंने आपको बता दिया कि चार्टर बनाया गया था जिसमें ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, आगे चल के बात करते हैं यहाँ पर हम आर्टिकल्स की, ठीक है, हमने, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया इसके कितने आर्टिकल हैं, इसके यहाँ पर कितने आर्टिकल हैं गाइस, इसके क्या हो गया, इसको, इसके यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं 30, ठीक है। तो आर्टिकल वन के बारे में बोलते हैं कि आर्टिकल वन क्या बोलता है, ये बोलता है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं यहाँ पर फ्रीली और इक्वली यहाँ पर क्या हुए हैं, बोर्न हुए हैं, जैसे मैं पैदा हुआ हूँ वैसे दूसरा पैदा हुआ है, वैसे तीसरा पैदा हुआ है और वैसे चौथा भी पैदा हुआ है, ठीक है, हर कोई यहाँ पर क्या हुआ है, वो फ्रीली पैदा हुआ है और इक्वली पैदा हुआ है, यानी कि उसको इक्वली डिग्निटी भी मिलनी चाहिए, इक्वली उसको राइट्स भी मिलने चाहिए, ठीक है, हर किसी को जन्म से ही उसको इक्वल राइट, इक्वल डिग्निटी देख मिलनी चाहिए। दे आर इंडोर्ड विद रीजन एंड कॉन्शियंस एंड शुड एक्ट टुवर्ड वन अनदर इन द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, और यहाँ पर यह भी बोला गया है कि उनको यहाँ पर एज अ स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड रख के यहाँ पर काम करना चाहिए। ओके, तो आर्टिकल नंबर टू क्या बोलता है कि हर किसी को यहाँ पर राइट्स एंड फ्रीडम दी गई है, किसमें, इस डिक्लेरेशन में, ठीक है, हर किसी को यहाँ पर क्या है,
हक भी है और उसको यहाँ पर क्या है, उसको यहाँ पर आजादी भी है। ठीक है, किसी भी तरीके की यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो रेस के बेस पे हो, चाहे वो कलर के बेस पे हो, चाहे वो सेक्स के बेस पे हो, लैंग्वेज हो, रिलीजन, पॉलिटिकल या कोई भी दूसरा ओपिनियन लेकर यहाँ पर नहीं आना चाहिए। किसी भी बेस पर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो पहले आर्टिकल में बोला बोला गया कि हर किसी को यहाँ पर इक्वली यहाँ पर फ्री हुए हैं, ठीक है, इक्वली यहाँ पर हर किसी का जन्म हुआ है, हर किसी को डिग्निटी मिलनी चाहिए। दूसरे आर्टिकल में ये बात करी गई कि यहाँ पे हर किसी को राइट एंड फ्रीडम मिलनी चाहिए, कोई भी यहाँ पर किसी भी तरीके की यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फर्दर मोर यहाँ पर यही इसी इसी की बात करी गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे आर्टिकल नंबर 3 की। आर्टिकल नंबर 3 में क्या बताया गया है, आर्टिकल नंबर 3 में बताया गया है कि एवरीवन हैज अ राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन। तो हर किसी को यहाँ पर जीने का हक है, हर किसी को लिबर्टी का हक है, तो हर किसी को यहाँ पे अपने आप को सिक्योर करने का हक है। ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल नंबर 3 में बताया गया। तो आर्टिकल नंबर 4 में क्या बताया गया, आर्टिकल नंबर 4 में बताया गया, नो वन शैल बी हेल्ड इन स्लेवरी और सर्विट्यूड, स्लेवरी एंड द स्लेव ट्रेड शैल बी प्रोहिबिटेड इन ऑल देयर फॉर्म्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से राइट चल रहे हैं। पहले में बोला हर कोई यहाँ पे फ्रीली यहाँ पर बर्न हुआ, इक्वल है, फिर बोला कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अभी के अभी सारे आर्टिकल याद करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद तीसरे में बोला कि हर किसी को जीने का हक है, भैया जीने का हक है। फिर चौथे आर्टिकल में यहाँ पर बात कर रहा है कि जीने का हक है, लेकिन जीने का हक है भाई, किसी के स्लेवरी के अंडर नहीं है, किसी की गुलामी नहीं करनी है, जीने का हक है। तीन में बोला तो भाई जीने का हक है, लेकिन किसी का गुलाम बन के नहीं, किसी का गुलाम बन के जीने का हक नहीं है, बल्कि उसे फ्रीली यहाँ पर जीने का हक है। ओके, तो और यहाँ पर इसमें यह भी बात की गई कि जो स्लेवरी है उसको यहाँ पर क्या करना चाहिए, उसको यहाँ पे प्रोहिबिट कर देना चाहिए। ठीक है, स्लेवरी को यहाँ पर रोक देना चाहिए। ठीक है, ये आर्टिकल 4 में बात की गई। तो आर्टिकल 5 में यहाँ पर बात की गई कि नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर और टू क्रियोल इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। यहाँ पर हर किसी के अगेंस्ट स्लेवरी में तो रहना है, ठीक है, स्लेवरी में नहीं रहना है। उसके बाद ये बताया गया कि यहाँ पर किसी के अगेंस्ट भी यहाँ पर टॉर्चर नहीं होना चाहिए, किसी के अगेंस्ट भी यहाँ पे क्रुएल्टी नहीं करनी है। ठीक है, मतलब कि जानवराना सलूक किसी के साथ नहीं करना है। ठीक है, किसी को अगर पनिशमेंट देनी है, किसी को अगर पनिशमेंट देनी भी है, तो वो क्या होनी चाहिए, वो एक सही तरीके में उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि क्रुएल्टी से उसको टॉर्चर करो, टॉर्चर करके उसको पनिशमेंट दो, ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 5 में बताया गया। ठीक है, अब आर्टिकल 6 में क्या बताया गया, आर्टिकल 6 में यहाँ पर बात की गई है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में, कहा है कि हर किसी को, एवरीवन हैज राइट टू रिकॉग्निशन एवरीवेयर एज अ पर्सन बिफोर द लॉ। ठीक है, हर किसी को अपने आप को पहचानने की हक है, राइट टू रिकॉग्निशन, अपने आप को वो पहचान सकता है, उसे हक है। ठीक है, चाहे वो कहीं भी जाए, एज अ पर्सन बिफोर द लॉ, अगर वो लॉ के सामने जाता है तो उसको अपने आप को मतलब के बताने का पूरा पूरा राइट है कि वो कौन है। ओके, तो आर्टिकल नंबर 7 में ये बताया गया है कि ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, हर सारे लोग क्या है, लॉ के सामने सारे ही बराबर हैं। ठीक है, ये दो आंखें हैं भैया लॉ की, ठीक है, ये छोटा सा नाक है, ओके, ये चेहरा है, ये हमारा लॉ है। ठीक है, अब हम यहां पर कौन है, ये मैं हूं, ठीक है, ये आप में से कोई है, ये आप में से कोई है। ठीक है, अब ये यहाँ पर कानून की आईज हैं, ये यहाँ पर कानून की आईज हैं, इसके सामने ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। ठीक है, ये मान लीजिए ये प्राइम मिनिस्टर है, ये मिनिस्टर है, मान लीजिए ये प्राइम मिनिस्टर है, ये कोई सिंपल सा एम्प्लॉय है, और ये बेचारा लेबर है। अगर ये कोई क्राइम करता है, अगर हमारा लेबर कोई क्राइम करता है, तो कोई अगर सेम क्राइम यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर करता है, तो इसको भी वही सजा मिलेगी, इसको भी वही सजा मिलेगी। इट मीन्स एवरी वन इज इक्वल बिफोर लॉ, हर कोई यहाँ पर कानून के सामने बिल्कुल क्या है, एक जैसा है। ठीक है, कोई भी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, और हर किसी को इक्वल प्रोटेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगी। ओके, ऑल आर इक्वल, ऑल आर एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन इन वायोलेशन ऑफ दिस डिक्लेरेशन एंड अगेंस्ट एनी इंसाइटमेंट टू सच डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि हर कोई यहाँ पर क्या है, कानून के सामने बिल्कुल बराबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल हम यहाँ पर देखते हैं, अपना आर्टिकल नंबर 8, इसमें क्या बताया गया है, हर किसी को यहाँ पर राइट है टू एन इफेक्टिव रेमेडी बाय द कंटेम्प्ट नेशनल ट्रिब्यूनल्स फॉर एक्ट्स वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय लॉ। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर एक वर्ड आया है आपके सामने, ट्रिब्यूनल। ठीक है, आपने यहाँ पर दो वर्ड सुने होंगे, एक आपने कोर्ट सुना होगा, एक आपने ट्रिब्यूनल सुना होगा। ठीक है,
कोर्ट तो पता है आपको कोर्ट क्या होता है, लेकिन अब सर ये ट्रिब्यूनल किस चीज का नाम है, ट्रिब्यूनल किस चीज का नाम है, ट्रिब्यूनल गाइस हमारे पास एक बॉडी बनाई जाती है, ठीक है। आपने ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में बात सुनी होगी, ठीक है, एनजीटी के बारे में, भाई एनजीटी की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में सुना होगा। तो ट्रिब्यूनल है क्या चीज, ट्रिब्यूनल है क्या चीज, ट्रिब्यूनल एक ऐसी बॉडी को स्टैब्लिश किया जाता है जहां पे किसी सर्टन टाइप के, ठीक है, जहां पे सर्टन टाइप्स के जो डिस्प्यूट होते हैं उनको सेटल करा जाता है। इज इट क्लियर गाइस? ओके, तो यहां पर कहता है कि हर किसी को इफेक्टिव रेमेडी का हक है। रेमेडी क्या होता है, ठीक है, रेमेडी क्या होता है, रेमेडी होती है एक ऐसी चीज जिसे आप अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है। रेमेडियल मेजर्स आपने सुना होगा, रेमेडियल मेजर सुना होगा। समझ नहीं आया सर क्या आप बोल रहे हो आप, रेमेडियल मेजर, अब बताता हूं क्या है। आपने सुना होगा कोविड आया था, कोविड आया था ना, उस वक्त कहते थे कि भाई आप क्या क्या किस किस चीज से यहाँ पर बच सकते हो, कौन सी रेमेडी यहाँ। वैसे ही गाइस हर किसी को अपनी इफेक्टिव रेमेडी की जरूरत है, ठीक है, जो यहाँ पर उसको नेशनल ट्रिब्यूनल, जो भी कॉम्पिटेंट नेशनल ट्रिब्यूनल होंगे, ठीक है, कोई भी अगर किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है जो उसको यहाँ पर किसी कॉन्स्टिट्यूशन ने या उसको लॉ ने प्रोवाइड किए हैं, तो उसके अगर वो वायलेट होते हैं तो वो उसकी रेमेडी यहाँ पर बन सकता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हमारा आर्टिकल, अगर फंडामेंटल की बात करूं, आर्टिकल 32 है, सबने पढ़ा होगा, ठीक है, आई होप सबको पता होगा आर्टिकल 32 क्या है। आर्टिकल 32 है हमारा नाइट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर आपके राइट्स को, भैया अगर आपके राइट्स को कोई वायलेट करता है, यू कैन सिंपली गो टू कोर्ट, ठीक है, आप कोर्ट जा सकते हो, अपने हक के लिए लड़ाई कर सकते हो। सिंपली इस आर्टिकल में ये बताया गया है। ओके, अब आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है, नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्ररी अरेस्ट, डिटेंशन और एग्जाइल, ठीक है। एग्जाइल का मतलब पता क्या होता है, पता क्या होता है, वनवास, वनवास, ठीक है। जिसने अगर रामायण देखी है वहां पे पता है ना कि श्री राम जी को 14 बरस का वनवास दिया गया था, एग्जाइल दिया गया था। ओके, तो हर किसी को भी हम ऐसे ही आर्बिट्ररी खामा खा, जिसे बोलते हैं ना खामा खा, हम किसी को खामा खा अरेस्ट नहीं कर सकते हैं विदाउट एनी वारंट, किसी को हम डिटेंशन, किसी को हम कैद में नहीं रख सकते हैं, किसी को हम एग्जाइल नहीं कर सकते हैं, घर से बाहर नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 9 में बोला गया है। इज इट क्लियर गाइस? अगर आपको अच्छी लग रही है ना वीडियो, अच्छी लग रही है, सीरियसली अगर अच्छी लग रही है, तो वीडियो को बस छोटा सा एक लाइक दे देना और वीडियो को लास्ट में शेयर कर देना, ठीक है। वीडियो लंबी बन रही होगी इसलिए लंबी बना रहा हूँ, ताकि आपको एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट समझ आ जाए, दूसरी किसी की वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, और जो भी आपके बच्चों क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएं। ओके, आर्टिकल नंबर 10 क्या बोलता है, हर किसी को इंटाइटलमेंट मिलनी चाहिए, फुल इक्वालिटी टू अ फेयर एंड पब्लिक हियरिंग बाय एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला, हर किसी का फेयर एंड पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए, अगर किसी की यहाँ पर सुनवाई होती है तो एक बराबरी यहाँ पर हर किसी की सुनवाई सुनी जानी चाहिए, हर किसी के लिए इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल यहाँ पर बनाना चाहिए, ठीक है, ताकि उसके राइट्स को हम क्या कर सकें, डिटरमाइन कर सकें। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 11 की। तो आर्टिकल नंबर 11 में क्या बात करी गई है, अगर कोई, एवरीवन चार्ज विद पैनल ऑफेंस, अगर किसी के अगेंस्ट यहाँ पे कोई पैनल ऑफेंस चार्ज हुआ है, ठीक है, हैज अ राइट टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट, तो उसे यहाँ पर अपनी बेगुनाही साबित करने का क्या है, अपनी बेगुनाही साबित करने का पूरा पूरा हक है, अंटिल प्रूव्ड गिल्टी अकॉर्डिंग टू लॉ इन अ पब्लिक ट्रायल एट विच ही हैज हैड ऑल द गारंटीज नेसेसरी फॉर हिज डिफेंस। यहाँ पर सिंपल सी बात की गई है, अगर किसी को यहाँ पर अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, अरेस्ट किया जाता है, अगर वो बंदा इनोसेंट है, ठीक है, अगर वो बंदा इनोसेंट है, उसको यहाँ पर ऑफेंस, पेनल ऑफेंस उसके अगेंस्ट लगाया गया है, उसके पास पूरा पूरा हक है कि वो अपने आप को वो इनोसेंट प्रूव कर सकता है, ठीक है। इज इट क्लियर गाइस? ओके, नो वन शैल बी हेल्ड गिल्टी फॉर एनी पेनल ऑफेंस ऑन अकाउंट ऑफ एनी एक्ट और ओमिशन विच इज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ पेनल ऑफेंस अंडर नेशनल और इंटरनेशनल लॉ एट द टाइम व्हेन इट वाज कमिटेड। ओके, नॉर शैल बी हैवियर पेनल्टी बी इम्पोज देन
द वन दैट वॉज एप्लीकेबल एट द टाइम द ऑफेंस वॉज कमिटेड। यहाँ पे सिंपल सी बात क्या गई है कि आप तब तक उस इंसान पर कोई भी गिल्टी या पेनल ऑफेंस यहाँ पर नहीं लगा सकते हो, ठीक है, किसी भी एक्ट के लिए, किसी भी ऐसे एक्ट के लिए जो उसने यहाँ पर नहीं किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, सॉरी, अब क्वेश्चन की आदत लग गई है बोलने की। तो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर आर्टिकल नंबर 12, यहाँ पर क्या बात कही गई है, तो यहाँ पर किसी को भी यहाँ पर किसी की आर्बिट्रेरी इंटरफेरेंस यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, उसकी प्राइवेसी हो, किसी की प्राइवेसी में आप दखलंदाजी नहीं कर सकते हो, उसके घर में आप ताका झाकी नहीं कर सकते हो, ठीक है, कोई भी नॉट टू अटैक अपॉन हिज ऑनर एंड रेपुटेशन। तो आप किसी के ऑनर के ऊपर, आप ऐसे ही किसी की यहाँ पर किसी के नाम के ऊपर धब्बा नहीं लगा सकते हो, किसी की आप बेइज्जती नहीं कर सकते हो, किसी की रेपुटेशन को आप ऐसे ही खराब नहीं कर सकते हो। नो वन हैज द राइट टू अटैक ऑन एनी वन रेपुटेशन, ठीक है, एवरीवन हैज द राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ अगेंस्ट सच इंटरफेरेंस और अटैक। अगर ऐसे ही आपके ऊपर कोई भी अटैक होता है या आपके कोई रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश करता है, अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट यू कैन गो टू द कोर्ट, ओके। चलिए अंडर आर्टिकल 13 आर्टिकल में क्या बोला गया है, हर किसी के पास मूवमेंट करने का हक है, कहीं भी वो मूव कर सकता है, रेजिडेंस करने का हक है, लेकिन उसकी उसकी स्टेट के बॉर्डर के अंडर, ठीक है, ये नहीं कि कहीं पे भी जाओ, दूसरी दूसरे मुल्क में जाओ, वहां पर अपना घर बनाना शुरू कर दो, वहां पर घूमना शुरू कर दो, ऐसा किसी को यहाँ पर हक नहीं है, ठीक है, अपनी कंट्री के अंडर वो कहीं भी यहाँ पर घूम सकता है, ठीक है, उन इलाकों के अलावा जो रिस्ट्रिक्टेड है, ओके। और हर किसी का यहाँ पर हक है, वो अपनी कंट्री को छोड़ सकता है, ठीक है, इंक्लूडिंग हिज ओन एंड रिटर्न टू हिज कंट्री, अपनी कंट्री छोड़ सकता है, अपनी कंट्री में वापस आ सकता है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता है, ओके। चलिए आर्टिकल नंबर 14 क्या बताता है, आर्टिकल नंबर 14 बताता है कि हर किसी को यहाँ पर राइट है, ठीक है, टू सीक एंड टू एंजॉय इन एनी अदर कंट्रीज असाइलम फ्रॉम पर्सिक्यूशन। अगर यहाँ पर उसको प्रताड़ित किया जाता है, अगर उसको यहाँ पर प्रोसिक्यूशन किया जाता है, तो वो किसी भी कंट्रीज में जाकर असाइलम ले सकता है, यानी कि वहां पर वो शरणार्थी बनकर रह सकता है, ठीक है, एवरीवन हैज द राइट टू सीक एंड टू एंजॉय इन एनी अदर कंट्रीज, ठीक है, दूसरी कंट्री में जाकर, कंट्रीज के असाइलम में जाकर वहां पर रह सकता है, अगर उसको यहाँ पर किसी उसकी कंट्री में प्रोसिक्यूशन हो रहा है, जैसे कि अभी आपने देखा था रोहिंग्या भागकर भारत आए थे ना, ये वही है, ठीक है। दिस राइट मे नॉट बी इन्वोक्ड इन द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन जनरली अराइजिंग फ्रॉम नॉन पॉलिटिकल क्राइम्स और फ्रॉम एक्ट्स कंट्रीब्यूट टू द पर्पसेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यहाँ पर सिंपल सी बात क्या कही गई है कि ये राइट तब इन्वोक नहीं होगा, तब आप इस राइट को इन्वोक नहीं कर सकते हो जब पर्सिक्यूशन जनरल हो, जब पर्सिक्यूशन जेन्युइन हो तब ये राइट इन्वोक नहीं किया जाएगा, ठीक है, जो किससे होगी, नॉन पॉलिटिकल क्राइम से यहाँ पर जो आएगी, अगर हाँ पॉलिटिकली किसी को प्रताड़ित किया जाता है तो दूसरी कंट्रीज में जाकर यहाँ पर असाइलम ले सकता है, लेकिन अगर नॉन पॉलिटिकल यहाँ पर क्राइम्स हैं या जो यहाँ पर प्रिंसिपल्स यूनाइटेड नेशन के जिसके पर्पस हैं उसकी कंट्रेरी कोई काम हो रहा है तब आपके ये राइट इन्वोक नहीं होगा, ओके। दिस इज योर आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 15 में क्या बताया गया है, एवरीवन हैज अ राइट टू अ नेशनलिटी, हर किसी को अपनी नेशनलिटी का हक है, ठीक है, नो वन शैल बी आर्बिट्रेरी डिप्राइव्ड ऑफ हिज नेशनलिटी नॉर डिनाइड द राइट टू चेंज हिज नेशनलिटी, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि कोई भी आप अपनी नेशनलिटी को ऐसे छोड़ नहीं सकता है, ठीक है, और वो डिनाई भी नहीं कर सकता है कि भाई देखो सिंपल सी बात क्या कही है, मैं इंडियन हूँ, ठीक है, समझा दूंगा यहाँ पे क्लियरली, मैं कहता हूँ कि मैं इंडियन हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं इंडियन नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं इंडियन हूँ, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हो, ठीक है, यू कैन नॉट डिनाई कि यू आर नॉट इंडियन, अगर आप इंडियन है तो आप इंडियन ही है, ठीक है, आपको ये कोई हक नहीं है, यू कैन नॉट नॉट डिनाइड द राइट टू चेंज हिज नेशनलिटी, ठीक है, समझ आई, ठीक है, हर किसी को अपनी नेशनलिटी का हक है, एक बार फिर से समझा देता हूँ, नो वन शैल बी आर्बिट्ररी डिप्राइव्ड ऑफ हिज नेशनलिटी, ठीक है, उसकी नेशनलिटी से आपको कोई डिप्राइव नहीं करेगा, मान लो कि अगर आप इंडियन हो तो आप इंडियन ही हो, ठीक है, इज इट क्लियर गाइस, समझ नहीं आया फिर समझाता हूँ, देखिए यहाँ पर आपको कहते हैं कि आप इंडियन हैं तो आपसे आपकी नेशनलिटी छीनकर आपको पाकिस्तानी नहीं बनाया जाएगा, आपको बांग्लादेशी नहीं, आप पाकिस्तान सर बोलोगे, पाकिस्तान आप दो जोर दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, चलो यहाँ पर बांग्लादेशी मैंने लगा दिया, ठीक है, कोई आपको नहीं बोलेगा कि आप, अगर आप इंडियन हो तो कोई आपसे फोर्स नहीं करेगा कि आप यहाँ पर पाकिस्तानी हो बांग्लादेशी हो, ये आर्टिकल 15 में यहाँ पर बताया गया है। आर्टिकल 16 क्या बताता है, मैन एंड वुमेन ऑफ फुल एज
विदाउट एनी लिमिटेशन ड्यू टू रेस नेशनलिटी रिलीजन हैव राइट टू मैरी एंड टू फाउंड अ फैमिली। ठीक है, कोई भी किसी भी एज का है, कोई भी किसी भी एज का है, ठीक है, कोई लिमिटेशन नहीं है, चाहे वो किसी रेस का है, कौन से नेशनलिटी का है, कौन से रिलीजन का है, उसको यहाँ पर भाई शादी करने का हक है और एक घर बसाने का हक है। ठीक है, उसको यहाँ पर इक्वल राइट्स यहाँ पर मिलेंगे एज टू मैरिज ड्यूरिंग मैरिज एंड एट इट्स रेजोल्यूशन। ओके, इज इट क्लियर? चलिए, आर्टिकल 15 16 भी हो गया, 16 में शादी की बात की गई है, हर किसी को शादी करने का हक है। उसके बाद आर्टिकल 17 की बात यहाँ पर अगर बात करूं तो हर किसी को अपनी प्रॉपर्टी खरीदने का हक है अलोन एज वेल एज इन एसोसिएशन विद अदर, चाहे वो प्रॉपर्टी अकेला खरीदे, ठीक है, या किसी से ज्वाइंट मिलकर खरीदे, ठीक है, या कोई कुछ लोग मिलकर प्रॉपर्टी खरीदे, उसको उनको खरीदने का हक है। नो वन शैल बी आर्बिट्रली डिप्राइव फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी, तो ऐसे खामा खा किसी को उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया, जिससे उसकी प्रॉपर्टी ऐसे ही नहीं छीनी जाएगी अगर उसने अच्छे तरीके से कोई प्रॉपर्टी ली है। ठीक है गाइस, तो आर्टिकल 18 की अगर बात करूं तो हर किसी को यहां पर किसका हक है, एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, हर किसी को सोचने का हक है, हर किसी को अपनी कॉन्शियंस का हक है, हर किसी को अपने रिलीजन का हक है। ठीक है, इस राइट में आपके आपका इसमें इस राइट में क्या आता है आर्टिकल नंबर 18 के अंडर, ठीक है, हर किसी के पास हक है कि वो अपने रिलीजन को यहाँ पर चेंज भी कर सकता है, अपने बिलीफ को चेंज कर सकता है, अपनी फ्रीडम को चेंज कर सकता है। ठीक है, अगर वो अकेला रहना चाहता है तो अकेला रहे, या कम्युनिटी में रहना चाहता है तो कम्युनिटी में रहे, ठीक है, पब्लिक में रहना चाहता है तो पब्लिक में रहे, प्राइवेट रहना चाहता है तो प्राइवेट रहे। ओके, तो कोई भी चीज को प्रैक्टिस करना चाहता है, कोई भी किसी भी टीचिंग में बिलीव करता है, वर्शिप में ऑब्जर्वेंस में बिलीव करता है, तो वो कर सकता है। ये आर्टिकल 18 के अंदर यहाँ पर बताया गया है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के अंदर। ओके, आर्टिकल नंबर 19 की अगर बात करूं, हर किसी के पास यहाँ पर अपने ओपिनियन के फ्रीडम है, ठीक है, हर किसी के अपने अपने ओपिनियन है, हर किसी के अपने अपने एक्सप्रेशन है, ठीक है, कोई भी दिस राइट इंक्लूड द फ्रीडम टू होल्ड ओपिनियन विदाउट इंटरफेरेंस, आप किसी की इंटरफेरेंस के बिना अपने ओपिनियंस यहाँ पर क्या कर सकते हो, अपने आइडियाज यहाँ पर बाहर ला सकते हो, थ्रू मीडिया लाओ या कोई भी आप जरिए यहाँ पर ला सकते हो, अपने आप ख्यालात को यहाँ पर बाहर ला सकते हो। ठीक है, ये आर्टिकल 19 के अंदर बताया गया है। तो आर्टिकल 20 जो है UDHR का, इसमें क्या बताया गया है, हर किसी को यहाँ पर पीसफुली असेंबली एसोसिएशन बनाने का हक है। ठीक है, ये नहीं कि आप एक मॉब बना दो, एक एसोसिएशन बना दो और वहां से आप लड़ाई झगड़ा शुरू कर दो, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आप एसोसिएशन बना सकते हो लेकिन पीसफुली। ठीक है, पीसफुली आपको पूरा पूरा फ्रीडम है। ठीक है, नो वन मे बी कंपेल्ड टू बिलोंग टू एन एसोसिएशन, किसी को यहाँ पर ये नहीं बनाया जाएगा, मान लो ये मैंने एक एसोसिएशन बना दी, ठीक है, अब मैं आपको फोर्स, आपको कोई फोर्स नहीं करते कि भाई तू इस एसोसिएशन में जुड़ जा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर फ्रीली आ जा सकते हैं अगर आप चाहें तो। आर्टिकल, अब यहाँ पर बचते हैं हमारे पास 10 राइट्स। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर, आई थिंक आपकी वीडियो तो लेंदी तो नहीं हो रही है, मैं देखने दो, क्योंकि लेंदी होगी ना तो वीडियो बोरिंग सा हो जाता है। ठीक है, वीडियो हमारा लेंदी भी नहीं होना चाहिए। तो गाइस वीडियो तो लेंदी हो रहा है, तो चलो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इस वीडियो को कल कंटिन्यू, और कल की वीडियो हम क्या करेंगे, कल की वीडियो में हम क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो कल जो 10 आर्टिकल हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है, तो कल की वीडियो में हम यहाँ पर क्वेश्चन भी करेंगे। तो गाइस अच्छी लगी होगी अगर आज की वीडियो आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी वीडियो पे यहाँ पर गाइस हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है, हमारी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, और अपने व्यूज गाइस आप यहाँ बता सकते हैं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। ठीक है गाइस, आप अपना लाइक दीजिएगा एक, ठीक है, कमेंट कीजिएगा जरूर कि आपको वीडियो कैसी लगी, हमारी अफॉर्ड कैसी लगती है आपके लिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, अगर घंटी नहीं बजाएगी तो घंटी बजा दीजिएगा गाइस। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस मिड डे, बाय बाय।